हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल MNP नॉलेज स्कूल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में LIC के IPO से रिलेटेड एक बड़ी खबर आई है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC के बोर्ड की हाल ही में बैठक हुई है, जिसमें LIC IPO के साइज को छोटा करने पर सहमति हो गई है। इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार LIC ने IPO के साइज़ में बदलाव कर दिया है। पहले सरकार 5% हिस्सेदारी बेचने वाली थी, लेकिन अब IPO के लिए सरकार 3.5% शेयर ही लाएगी। आपको बता दें कि IPO के लिए LIC का वैल्यूएशन 6 लाख करोड़ रुपए किया गया है, यानी नए आकार के हिसाब से इस IPO का साइज़ 21,000 करोड़ रुपए होगा। हालांकि उम्मीद है कि मार्केट में डिमांड अच्छी रहती है तो आगे चलकर सरकार इसे 5% तक बढ़ा भी सकती है। अब आप जानना चाह रहे होंगे कि IPO आ कब रहा है, तो मई के पहले हफ्ते में IPO आ सकता है। LIC ने भले ही IPO का साइज छोटा किया हो, लेकिन सेबी के पास जमा कराए DRHP में IPO के लिए LIC ने 5% तक हिस्सेदारी बेचने की अनुमति ली है। इसके अलावा उसे कंपनी को लिस्ट कराने के लिए 12 मई तक का समय मिला है, इसलिए सरकार को हर हाल में मई के पहले हफ्ते तक IPO लाना ही होगा। तो फ्रेंड्स, ये था LIC के IPO पर एक अपडेट। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे वेबसाइट पर भी ये डिटेल उपलब्ध होगी। वेबसाइट का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उसे देख सकते हैं। तो वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।